शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय 24वीं कहानी। सुलह वा दुश्मन अगर ख्वाही हर गह की तुरा दर कफा एव कुनत दर नजर तह से कुन। अर्थात दुश्मन को खुश रखने की सबसे बड़ी युक्ति यह है कि जब जब वह तेरी परोक्ष में बुराई करे तभी तभी तू उसके प्रत्यक्ष में उसकी प्रशंसा कर। जुजन के एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा नेक और मिलनसार वजीर था। वह लोगों के सामने होने पर उनसे सभ्यता का बर्ताव करता और उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रशंसा किया करता था। देवात उसके किसी काम से बादशाह नाराज हो गया। उसने बुरा भला कहकर उसे दंड देने की आज्ञा दी। राज कर्मचारियों ने उसके पहले उपकार का ख्याल करके इस अवस्था में उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना ही अपना धर्म समझा। इसलिए जब तक वह उनके पास कैद रहा तब तक उन लोगों ने उसके साथ बड़ी सभ्यता और नम्रता का व्यवहार किया। न तो उसके साथ सख्ती ही की और न किसी को गाली गलौज देने दिया। अगर तुम अपने दुश्मन से मेल रखना चाहते हो तो दुश्मन जब कभी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करे तो तुम बदले में उसके मुंह के सामने उसकी प्रशंसा करो। यदि किसी अपकर्य मनुष्य के कड़वे वचनों को रोकना चाहो तो उसके मुंह से बात निकलने के पहले ही उसका मुंह मिटा कर दो। वो बादशाह के लगाए हुए कुछ अभियोगों से तो रिहाई पा गया किंतु कुछ शेष अभियोगों के लिए जेल भोगता रहा। किसी पड़ोस के राजा ने उसके पास गुप्त रीति से यह समाचार भेजा। उस तरफ के बादशाह गुणों की कद्र करना नहीं जानते, इसी से तुम्हारा अपमान किया गया है। अगर ऐसा गुणी मनुष्य हम लोगों की शरण में आ जाए तो हम उसके गुणों के कारण से उसका पूरा पूरा सम्मान करें और भरसक उसको संतुष्ट रखने की चेष्टा करें। अस्तु, अगर तुम यहाँ आ जाओ तो राज्य के शासनकर्ता तुम्हें देखकर अपने नाई सम्मान्य समझे। ये लोग बड़ी अधीरता से पत्रोत्तर की बात देखते हैं। वजीर चिट्ठी का मजमून समझ गया। उसने अपनी उपस्थित विपत्ति पर विचार करके उसी पत्र की पीठ पर अपनी समझ के मापिक छोटा सा जवाब लिखकर भेज दिया। बादशाह के किसी सहचर को यह बात मालूम हो गई। उसने बादशाह को सूचना दी और कहा, जिसको आपने कैद की सजा दी है वो पड़ोसी राजा से पत्र व्यवहार करता है। बादशाह नाराज हुआ और इस मामले की जांच होने की आज्ञा दी। लोगों ने पत्र ले जाने वाले को पकड़ लिया और उस पत्र को पढ़ा जिसकी पीठ पर यह लिखा हुआ था, जितनी तारीफ की गई है उसके लायक ये ताबेदार नहीं है। जो कुछ आप लोगों ने लिखा है वो स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है क्योंकि उसके नामे गिरामे घर में मेरी परवरिश हुई है। उसके विचारों में जरा सा फर्क होने से मैं उसके प्रति अकृतज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि कहावत है, जिसने तुम्हारा बराबर उपकार किया यदि उससे जीवन में तुम्हारी एक बुराई भी हो जाए तो उसे क्षमा करो। बादशाह ने उसकी भक्ति की प्रशंसा की और उसे खिल्लत तथा इनाम इकराम दिया। पीछे उसके माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम जैसे निर्दोष को कष्ट दिया। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर ये ताबेदार आपको इस मामले में दोषी नहीं समझता क्योंकि विधाता को ही मुझे विपद में फंसाना मंजूर था। यह भी अच्छा हुआ कि यह कष्ट इस ताबेदार को एक ऐसे पुरुष द्वारा प्राप्त हुआ जो चिरकाल से मेरे ऊपर अपनी कृपा और मेहरबानी रखता था। अगर आदमी तुझे दुख दे रंज मत कर क्योंकि सुख और दुख देना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। इस बात को याद रख कि मित्र और शत्रु से बुरे भले बर्ताव कराने वाला केवल ईश्वर ही है क्योंकि वही दोनों के दिलों पर हुकूमत रखने वाला है। यद्यपि तीर कमान से छूटता है तथापि जो बुद्धिमान है वे तीरंदाज की ओर ही देखते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें दो नसीहतें मिलती हैं। हमारे ऊपर उपकार करने वाला यदि कभी हमारी जिंदगी में एक आध दफा हमसे अप्रसन्न हो जाए और हमारे निरपराध होने पर भी हमारे साथ बदी करे तो हमें उसकी जरा भी नाराजगी के सबब उसके पहले उपकारों को भूल न जाना चाहिए और उसके साथ भूल कर भी बुराई न करनी चाहिए।
एक अपकार के कारण पिछले सैकड़ों उपकारों को भूल जाना अच्छे आदमी का काम है। अगर कोई मनुष्य हमें दुख दे तो हमें यह न समझना चाहिए कि यह दुख हमें अमुक मनुष्य के कारण से हुआ है, बल्कि यह समझना चाहिए कि दुख और सुख देना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। दुख और सुख देने वाला ईश्वर ही है। शत्रु और मित्र सब तरह के मनुष्यों के दिलों का नेता या रहनुमा केवल ईश्वर ही है। वह जैसा चाहता है वैसा ही कराता है। मनुष्य किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। हमारे एक हिंदू कवि ने बहुत ही ठीक कहा है, को सुख को दुख देत है, देत कर्म झकझोर, उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन की जोर। अर्थात न कोई किसी को दुख देता है और न कोई किसी को सुख ही देता है। जिस तरह ध्वजा हवा के जोर से आप ही उलझती और सुलझती है, उसी तरह मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप दुख और सुख पाता है। कहानी समाप्त।